हम अपने दर्शकों को, न्यूज क्लिक के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरह से इस समय पूरे देश में भूख और बेरोजगारी पसरी हुई है, लाखों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं, माइग्रेंट लेबर हैं, वर्कर हैं, वो सड़कों पर हैं, शहर से वे वापस घर जा रहे हैं, उन शहरों को छोड़ के वे घर जा रहे हैं जहां वे तमाम तरह के सपने लेकर आए थे। ये सिटी मेकर्स हैं, इन्होंने ही शहर बनाया, इन्होंने ही भारत बनाया। और आज जब लॉकडाउन है, लॉकडाउन 50-55-60 दिन होने जा रहे हैं, उस समय इन्हें लग रहा है कि ये शहर इनके लिए बने नहीं है, यहाँ इनका जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। हर तरफ भूख है, बेरोजगारी है, बेकारी है और बहुत दुख पसरा हुआ है। ऐसे में हमारे साथ आज मेहमान है अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज राइट टू फूड एक्टिविस्ट हैं, जो उसका नेशनल कैंपेन चलता है खाद्य सुरक्षा का, उससे बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। और इसके साथ दिल्ली में जो रोजी रोटी अधिकार अभियान है उसके साथ जुड़ी हुई हैं अंजलि। भोजन सबको मिले, राशन सबको मिले, ये जो अभियान पूरे देश में चल रहा है इसकी बहुत सक्रिय सदस्य हैं, बहुत ही वोकल एक्टिविस्ट हैं। अंजलि, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। अंजलि, सबसे पहले आपसे जो मैं जानना चाहूंगी, ये जो दृश्य हमें दिखाई दे रहा है, ये जो रेला है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम लोग बोल रहे हैं कि आप हमारे यहाँ रुक जाइए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं, पंजाब के कहते हैं, गुजरात के कहते हैं, हर जगह आप देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जो कर रहे हैं, लेकिन मजदूरों को अब सरकार पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। मैं तो तमाम जगहों पे बात कर रही हूँ, देख रही हूँ, लोग अब वापस घर जाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहली चीज, अगर हम थोड़ा सा परिपेक्ष देखें, हमारे देश में 90% वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती है। किसी के पास ऐसा व्यवसाय नहीं है जो कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो रोल्स पे हो और उन्हें मिलता हो। तो 90% ऐसे लोग हैं। 10 करोड़ से ज्यादा लोग माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो अपना घर बार छोड़ के नौकरी ढूंढते हुए अपने परिवारों के साथ ज्यादातर शहरों में आते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं कि उन्हें किसी तरह से कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिले। अब ऐसे देश में जब प्रधानमंत्री ने मार्च के अंत में जब लॉकडाउन अनाउंस किया, तो उन्हें कोई शक नहीं होना चाहिए था कि इन सभी लोगों की लॉकडाउन में नौकरियां जाएंगी, क्योंकि जब लॉकडाउन होगा आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी किसी के लिए क्या बचेगी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तो सबसे पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ये नहीं कह सकते कि वो नहीं समझ सकते थे कि ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने क्या प्लानिंग करी, ये एक बड़ा सवाल जो कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को देना, जिसका जवाब होगा। आप ये समझिए कि हमारा देश पहला देश नहीं था जहां पर पैंडेमिक शुरू हुआ, बल्कि एकदम जनवरी के बिगनिंग से हमें मालूम था कि ये प्रॉब्लम हो रही है, अलग अलग देशों में फैली, लॉकडाउन तरीके से शुरू हुए। तो भारत में जब मार्च एंड में लॉकडाउन होता है तो हमारे पास 2.5 महीने का समय था कि हम इसकी तैयारी कर सकते, लेकिन आकर प्रधानमंत्री ने टीवी स्क्रीन्स पे केवल लॉकडाउन की अनाउंसमेंट की, ये नहीं कहा कि लोग लॉकडाउन में क्या करेंगे। और जो हमारे देश का अंत गरीब है, जो जो माइग्रेंट वर्कर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, रेड़ी लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं और अपना पेट भरते हैं, वो क्या करेंगे? तो फिर ये जो दृश्य हम देख रहे हैं ये तो होना ही था। फिर प्रधानमंत्री की जो गरीब कल्याण योजना अनाउंस करी गई, उसमें भी कोई भी सही तरीके का स्टेप नहीं आया जो इन लोगों को रोक सके। ये लोग क्यों जा रहे हैं? सबसे पहली बात ये है कि सब जानते हैं कि अगर आप काम करने के लिए आते हैं, आप रेंट पर कहीं रहेंगे, और बड़े शहरों में सबसे कम रेंट भी अगर किसी बस्ती में आप जाके झुग्गी भी रेंट पे लेंगे तो 3,000 का रेंट देना पड़ता है लोगों को। अगर उनके पास नौकरी नहीं है तो रेंट कहां से देंगे? तुरंत लोगों को मालूम, समझ में आ गई कि हम तो होमलेस हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, और खाना कहां से लाएंगे, बच्चों को कहां से देंगे। और ये समझना है कि शहर में कोई परिवार लोगों के नहीं है, कोई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे कि वो जाके थोड़ा सा किसी से लेके उधार जी सके, तो सेविंग्स इन लोगों के पास कुछ बड़ी नहीं होती है। तो न्यूनतम मजदूरी पर जीने वाले लोग हैं, वो भी अगर दे आर लकी तो उनको न्यूनतम मजदूरी मिलती है। तो ये सेविंग्स खत्म हुई, लोगों के पास खाने तक के लिए पैसा नहीं बचा, दवाई के लिए नहीं बचा, रेंट के लिए नहीं बचा, तो लोग फिर चलना शुरू हुए। अब
प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के बजट की बात करी। इसके अंदर वित्त मंत्री ने कहा मैं ट्रांचेस में लोगों को बताऊंगी कि हम इससे कैसे वितरण करेंगे। उन्होंने केवल आके लोन मेले के जैसे लोन की अनाउंसमेंट करी। सारी बात यहाँ तक कि रेहड़ी वालों के लिए भी लोन की बात है, रेहड़ी वालों तक को लेके भी लोन की बात है। वहां पे कुछ भी तुरंत तो कैश बेनिफिट होना था, कहीं कैश बेनिफिट नहीं रहा। जिसके पास अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसा नहीं है, रेंट देने के लिए पैसा नहीं है, उसे आप कहेंगे कि आप रेडी लगाने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी ले लीजिए, तो वो क्यों रुकेंगे इतने समय तक एक जगह पर। तो क्या आपको लगता है कि गरीब जो है, भारत का जो गरीब है, ये इस सरकार की दिमाग में नहीं था, आईसाइट में नहीं था? क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक 50 दिन से ऊपर हो गए, 60 दिन होने जा रहे हैं, हम पाते हैं कि जो मध्यम वर्ग है खाली वही हम एड्रेस कर रहे हैं कि आप अपने घर में रहिए, इतनी बार हाथ धोइए, ये करिए, बाहर ना निकलिए, वर्क फ्रॉम होम, सारा का सारा जो डिस्कोर्स हमने डेवलप किया इस आपदा के समय, वो सिर्फ और सिर्फ मध्यम वर्ग केंद्रित रहा। उन इलाकों की हमने सोचा ही नहीं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि जिस तरीके के भाषण मिले हमें, वो तो सब ऐसे ही लग रहा था कि पूरा भारत जो है वो ऐसे घरों में रहता है जहां बैल्कनियां हैं, जहां पर लोग निकल के थाली बजा सकते हैं और ये सब कर सकते हैं। भारत की ये रियलिटी नहीं है। भारत में ज्यादातर जो हमारे लोग हैं वो रहते गरीबी रेखा से नीचे हैं, और ऐसे लोगों के लिए कुछ भी क्लियर एड्रेस नहीं हुआ उनकी चिंताएं। पर ऐसा नहीं है भाषा कि सरकार ये नहीं जानती कि क्या संकट है। और इसके लिए मैं ये कुछ एक दो आपको इंस्टेंस देना चाहती हूँ। 29 मार्च को जब अनाउंस हुआ लॉकडाउन, उसके तुरंत बाद MHA ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि सारे एम्प्लॉयर्स जो हैं वो अब जितने भी उनके मजदूर हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उन्हें वेतन देते रहेंगे और वेतन देना बंद नहीं करेंगे लॉकडाउन में, चाहे काम हो चाहे ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि रेंट नहीं लिया जाएगा किसी भी माइग्रेंट वर्कर से अगर वो नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सरकार जानती थी कि इन लोगों के पास पैसा नहीं है, इन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन सरकार ने जानते हुए भी अपनी तरफ से कुछ नहीं किया लोगों के लिए जिससे कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सके। तो जानबूझकर आंखें बंद करी गई हैं, मैं तो ये कहूंगी इन सब मामलों में। तो ये नहीं है कि सरकार हमारी नहीं जानती थी सच्चाई, लेकिन सरकार ने ये चूज किया कि सच्चाई जानते हुए भी हम कुछ नहीं करेंगे इन सब चीजों को एड्रेस करने के लिए। इसी से जुड़ा जो एक सवाल है कि राशन की बात, अभी तक 25 तारीख से, 25 मार्च से जो शुरू हुआ लॉकडाउन, चौथे फेज में भी हम और आप चल रहे हैं, अभी तक राशन को लेकर किनको हमें राशन देना है, कहाँ राशन नहीं देना है, इसको लेकर इतना भ्रम या इतनी दुविधा, यहाँ तक कि जनधन खाते में 500 रुपए देने की बात थी, हमें ऐसे तमाम प्रवासी लोग मिले जिनका कहना था कि जनधन खाता तो हमारा गांव में है, यहाँ पर तो है नहीं, राशन कार्ड गांव में है, राशन कार्ड यहाँ है नहीं। इसे लेकर और खास तौर से ऐसी आपदा में ये क्यों हर्डल सबसे बड़ा अवरोध बना कि लोग दिखाई दे रहे हैं? मतलब मैं एक जो बुनियादी चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, गरीब कौन है दिखाई दे रहा है, लेकिन हम बिना कागज के, बिना राशन कार्ड के, बिना आधार के, ऐसा सिस्टम कैसे हो गया कि हम उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि नहीं ये गरीब है? देखिए, ये जो आपने बात कही वो तो बहुत ही बुनियादी परेशानी है हमारे देश में, और वो लॉकडाउन से भी पहले से चल रही परेशानी है। क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि लॉकडाउन में जब वर्कर्स सड़कों पर चलने लगे हैं अपने बच्चों के साथ वापस जाने के लिए, तो कम से कम उसकी कुछ विजिबिलाइजेशन हुई है, वरना तो बिल्कुल ही अनदेखा किया गया है जो गरीब वर्ग है हमारे देश में। वो चाहे हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, पर उसे ट्रीटमेंट ऐसी मिलती है कि आप अगर मतलब
100 चीजें लाएंगे, अपना प्रूफ दिखाएंगे, सिटीजनशिप प्रूफ करेंगे, कभी उन्हें कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि आप अपना कहाँ रहते हैं एड्रेस प्रूफ लाइए, कभी अपना जन्म प्रमाण पत्र लाइए, उसके बगैर कुछ लोगों को दिया ही नहीं जाता है। तो विजिबिलाइजेशन हुई है ऑफ पॉवर्टी हमारे देश में जो है, जो सामने आई है। पर बिल्कुल सही आपने बात उठाई कि एक बड़ा कंसर्न सब लोगों के लिए यही रहा है कि हम कहाँ से खाएंगे और अपने बच्चों को, अपने परिवार को कहाँ से खिलाएंगे। तो जरूरत ये थी कि सरकार तुरंत, बल्कि मैं तो ये भी मानती हूँ कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि हम लॉकडाउन में जा रहे हैं, उन्हें उसी अनाउंसमेंट में कहना चाहिए था ये केवल नहीं कि आपकी परचून की दुकान खुली रहेगी, ये भी कि हम गोदाम खोलेंगे, हमारे गोदामों में इतना राशन भरा हुआ है, हम किसी को भी, गरीब को भी हम भूखा नहीं सोने देंगे, किसी बच्चे को, उन्हें ये कहना चाहिए था। तो जरूरत ये थी कि हम जो पहले से मांग चली आ रही है बहुत पहले से कि राशन को यूनिवर्सलाइज किया जाए, जिसको राशन की जरूरत है एक सभ्य समाज में, हम कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं या छोटे छोटे बच्चे भूखे सो रहे हैं। तो ऐसे में किसी को भी आधार ना होने के कारण, कोई डॉक्यूमेंट ना होने के कारण राशन से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। अब ऐसे में जब आपने लॉकडाउन अनाउंस करा, उसमें तो तुरंत यूनिवर्सलाइजेशन होने की जरूरत थी। पर हुआ ये कि जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अनाउंसमेंट हुई, जो पहली अनाउंसमेंट थी मार्च में निर्मला सीतारमण जी ने करी थी, उसमें उन्होंने केवल उन्हीं लोगों को राशन और देने की बात की जिनके पास राशन कार्ड ऑलरेडी थे पहले। अब उन्होंने बहुत बहुत ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगा कि 80 करोड़ लोगों को हम लोग राशन पहुंचाएंगे, पर वो 80 करोड़ लोग तो वही हैं जिनको ऑलरेडी राशन कार्ड है और मिल रहा है, तो ये अच्छी बात थी। पर बाकी लोग जो कि माइग्रेंट्स हैं, जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, जो गरीब हैं, जो कि जिनके पास आधार नहीं है या दूसरे कार्ड नहीं है, तो उनको राशन कैसे मिलेगा, उनका काम कैसे चलेगा, इसके ऊपर पूरी तरह से चुप्पी रखी गई। कहीं जाकर 2 महीने की अवधि के बाद ऑलमोस्ट उन्होंने अनाउंस किया कि 8 करोड़ और लोगों को हम राशन देंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। पर 8 करोड़ केवल ऐसे लोग नहीं है, 10 करोड़ तो माइग्रेंट वर्कर्स ही हैं। अब ये जो इकोनॉमी, जब हम कहते हैं कि 10 करोड़ माइग्रेंट, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स को देने की बात कही, तो ये 8 करोड़ का जो आंकड़ा है, इसे हम कैसे स्थापित करते हैं? देखिए, 2 बातें हैं। पहली चीज तो ये है, निर्मला सीतारमण जी ने जो पहली एक बात कही कि माइग्रेंट वर्कर्स 8 करोड़ को हम राशन देंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन जो करते हैं, सबसे पहला सवाल ये आता है कि आप कैसे प्रूव करेंगे कोई माइग्रेंट वर्कर है। तो अब आप सबको कहेंगे कि आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाइए, प्रूव करिए कि आप माइग्रेंट वर्कर थे, तब हम आपको राशन देंगे। मतलब उन लोगों को जिनको राशन की जरूरत है, अब उनको और दौड़ाया जाएगा प्रूफ मांगने के लिए कि आप माइग्रेंट वर्कर हैं, ये प्रूव करिए। दूसरी बात, केवल 8 करोड़ लोगों को राशन की जरूरत नहीं थी, हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा तो माइग्रेंट वर्कर्स ही हैं। और NFSA जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसमें 67% लोगों को राशन मिलना होता है। सेंसस के मुताबिक जो उन्होंने अभी सरकार ने दे रखा है, वो 2001 के सेंसस के हिसाब से दिया, तो अभी जो हमने आंकड़े जुटाए उसमें ये पता चलता है कि अगर 2011 के सेंसस से दिया था, अगर हम अब के सेंसस के हिसाब से देखेंगे, तो ये आंकड़ा 10 करोड़ से ज्यादा बढ़ना चाहिए था जिनको राशन कार्ड मिलते। तो जब 8 करोड़ उन्होंने कहा है, वो तो वहां तक टैली भी नहीं लेकर आई जहां तक फूड सिक्योरिटी एक्ट में लिखा है। जरूरत ये थी कि यूनिवर्सलाइज कीजिए, किसी को छोड़िए मत, कोई ऐसा ना रह जाए जिसके पास राशन नहीं है। तो ये जो मेजर है, ये टू लिटिल टू लेट। मतलब इसी संदर्भ में देखिए कि एक चीज में बहुत दिलचस्प दिखाई देती है कि केरल ने घोषणा की कि वो जो अबव पॉवर्टी लाइन है, APL को भी राशन देंगे, और वहाँ राशन का डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, उसके पैकेजेस को लेकर क्या क्या दे रहे हैं तमाम लोगों को, इसको लेकर भी काफी चर्चा, एक अलग ढंग का उसने मॉडल साबित किया। मैं विदेश की भी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ देश में एक राज्य की बात कर रही हूँ जिसने इस कोरोना संकट को भी बहुत मजबूती से, बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल किया।
ये क्यों नहीं बाकी राज्य सरकारों को दिखाई दे रहा या केंद्र की सरकार को क्यों नहीं दिख रहा? जो केरल सरकार ने किया मुझे लगता है कि वो तुरंत पूरे देश में होना चाहिए था, वो पहला रिस्पांस होना चाहिए था कि हम सभी को राशन देंगे जो लेना चाहते हैं। और ये जो स्टेप है ये बहुत सक्रिय कदम होता लोगों को, अगर हम चाहते थे कि माइग्रेंट वर्कर्स ना अपने घरों को छोड़ के जाएं उसके लिए भी और लोगों को सपोर्ट करने के लिए भी थ्रू दीज डिफिकल्ट टाइम्स। देखिए इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त है आज हमारे देश की, तो ऐसे में सबसे बड़ी चिंता लोगों को खाद्य सुरक्षा की है। और अगर जो केरल ने मॉडल अपनाया वो सारी सरकारें अपनाती तो लोगों को कम से कम खाने के ऊपर, भूख के ऊपर चिंता ना होती। ये नहीं हुआ, इसकी जिम्मेवारी दोनों की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की थी कि वो अपने गोदाम खोले। हमारे देश में अभी 80 मिलियन टन राशन पड़ा है गोदामों में, वो किस दिन काम आएगा? वो ऐसे ही आपदा के समय काम आने के लिए था। और साथ ही में स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, केरल जैसी स्टेट गवर्नमेंट्स से ये समझना चाहिए था कि वो भी अपने पैसा डालकर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं भी करती तो वो कहें कि हम देंगे लोगों को क्योंकि जरूरी है ये स्टेप। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसे माना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है अपने रीसेंट जजमेंट में कि आप सबको राशन दीजिए, ऑर्डर दिया है उन्होंने कि दिल्ली में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो राशन चाहे और उसे राशन ना दिया जाए। बल्कि सरकार के वकील ने जब कहा कि कहीं ऐसे लोग ना ले जाएं जिनके पास जिनको राशन की कमी नहीं है, तो जज ने कहा कि आपको क्या सच में लगता है कि लोग, संपन्न परिवार के लोग निकल कर लंबी राशन की लाइन में लगेंगे और क्या वो ऐसा राशन लेंगे जो क्वालिटी में इतना अच्छा नहीं है? तो अगर कोई इतनी शिद्दत करते हैं तो उन्हें राशन लेने दीजिए। तो कोर्ट ने खुद कहा कि यूनिवर्सल करिए राशन की डिस्ट्रीब्यूशन को और ये बहुत जरूरी स्टेप है क्योंकि ये तो बेसिक मिनिमम है जो सरकारें कर सकती हैं। और ये बहुत ही बड़ी, मुझे लगता है हमारे देश में एक सेविंग ग्रेस है कि इस बार एग्रीकल्चर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कमी नहीं है राशन की, ग्रेन्स की कमी की, नहीं हाँ। है तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए, अनाज लोगों तक पहुंचना चाहिए। अच्छा, इसी से जुड़ा जो सवाल है कैश ट्रांसफर का, जैसे लोग बात कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दलों ने भी बात की, कांग्रेस में राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया कि लोगों को तुरंत नकद देना चाहिए और नकद देने के बारे में सरकार ने अभी तक, चाहे वो कितने भी पैकेज अनाउंस किए, नकद के बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया। और लेकिन इसका एक बहुत दूसरे ढंग से मजाक उड़ाया जा रहा है कि जो भूखा है अगर उसे अनाज मिल जाएगा तो क्या कम है, और जो नगद है, नगद ऐसा लग रहा है जैसे लालच देना या ब्राइब देने जैसी बात एक डिस्कोर्स में लाई जा रही है। इसे आप, इस डिमांड को आप कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे जरूरी जो रिक्वायरमेंट लोगों की है, स्पेशली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी है, वो है कुछ नकद की। एक बेसिक लाइफ ऑफ डिग्निटी जीने के लिए इंसान को जो चीजें चाहिए हैं कम से कम उसके लिए उनके पास पैसा होना चाहिए। आज हम ये बात कर रहे हैं कोरोना के लॉकडाउन में, जब लोग काम करना चाह रहे हैं पर उनकी कोई गलती ना होने के बावजूद उनके पास काम नहीं है, उनके पास कोई पगार नहीं है। तो ऐसे में ये कोई मजाक नहीं है कि लोगों के पास कुछ पैसा होना चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा कि आप बहुत धन दीजिए लोगों को, लालच दीजिए, पर एक बेसिक अमाउंट जिससे कि लोग अब सम्मान से अपना जीवन जी सकें। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 21 है उसमें जो गारंटी है वो उन तक पहुंच सके, उसके लिए कुछ पैसा लोगों के पास होना बहुत जरूरी है। आप ये सोचिए कि बच्चे के लिए दूध खरीदना है, सैनिटरी पैड का खरीदना है, दवाई खरीदनी है, रेंट देना है, ये सारी जरूरतों के लिए थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत होती है और वो हम सब जानते हैं। अब ऐसे में सरकार ने जो MHA ने ऑर्डर दिया था उसमें उन्होंने कहा कि जो कंपनियां हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज को पैसे देते रहेंगे लॉकडाउन में, चाहे उनको काम दे पाए या ना दे पाए।
और रेंट कोई नहीं लेगा उन लोगों से। तो मतलब सरकार ये समझ रही थी कि लोगों को पैसे की जरूरत तो है, पर सरकार ने अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं किया, और ये जो ऑर्डर था MHA का, ये इम्प्लीमेंट भी सही से नहीं कराया। तो इसका मतलब है कि लोगों को पैसे नहीं मिल रहे थे, और अब सरकार ने जब लॉकडाउन 4 अनाउंस किया है तो MHA का ये ऑर्डर भी विड्रॉ कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में हमारे देश में किसी भी वर्कर को पैसे कैश कुछ भी नहीं मिल सकता, ना सरकार दे रही है ना उनके एम्प्लॉयर देंगे और दे रहे हैं, जिससे कि अपना गुजर बसर कर सके और एक लाइफ ऑफ बेसिक लाइफ ऑफ डिग्निटी जी सके। तो इसमें हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। अनफॉर्चुनेटली उस केस में चीफ जस्टिस ने ये कहा कि लोगों को अगर राशन मिल जाता है तो उन्हें पैसे की क्या जरूरत है, और ये हमें लगता है कि बहुत ही दिक्कत देने वाली स्टेटमेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लोगों को सिर्फ जीवन जीने के लिए और डिग्निटी से जीने के लिए सिर्फ दो वक्त का खाना नहीं चाहिए, वो बहुत जरूरी है, वो तो चाहिए ही, पर कुछ और बेसिक जरूरतें हैं जो लोगों के लिए, जिनके लिए उन्हें पैसे की आज जरूरत होगी। तो ये जो MHA का ऑर्डर था, इसे विड्रॉ किया गया, और लगातार जितने भी सरकार ने इकोनॉमिक पैकेजेस दिए हैं, जो कि 20 लाख करोड़ की ऐसी बात करी गई कि लोगों के पास वो पहुंचाया सारा का सारा पैसा पहुंच रहा है, किसी में भी सरकार ने एक नया पैसा भी बेसिक इनकम गारंटी करने के लिए नहीं दिया है लोगों को, जिससे कि अगर उनकी नौकरी चली गई है तो वो कुछ पैसे उन तक पहुंच सके। वो बेसिक मिनिमम वेजेस हो सकते थे या उसका एक हिस्सा भी हो सकता था। सरकार कह सकती थी कि हम मिनिमम वेजेस तो नहीं दे सकते सबको, लेकिन हाँ हम 50% ऑफ मिनिमम वेजेस दे देंगे, जिससे कि लोग अपने परिवारों का, क्योंकि एक परिवार में दो परिवार में जन काम करते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं और साथ में गांव भेजते हैं अपनी कुछ सैलरी का हिस्सा, जिससे कि जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है वो भी जी सके, उन सबके लिए कुछ ना कुछ पैसे की तो जरूरत थी ही, और कुछ भी नहीं आया है अभी तक। और मुझे लगता है कि ये शर्म की बात है, और ये हमारे ही देश में मांग नहीं है, अन्य देशों में अगर आप देखें वेज सपोर्ट एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है इकोनॉमिक पैकेजेस का, और सबसे पहले वही घोषित किया जाता रहा, तमाम जो विकसित देश रहे, तमाम सब देशों ने जैसे ही प्रधानमंत्री या जिसने भी एड्रेस किया, सबसे पहले चीज वेज सपोर्ट की बात उन्होंने अपने तमाम एड्रेसेस में की। और हम ये समझें कि जर्मनी, इंग्लैंड, बाकी जो सारे देश हैं, कनाडा जैसे देशों ने जब वेज सपोर्ट करा, उनके यहाँ तो इस तरीके की गरीबी भी नहीं है, इस तरीके की अनऑर्गेनाइज सेक्टर इतना बड़ा भी नहीं है, उन्होंने फिर भी सोचा कि हम लोगों को वेतन दे, वरना लोग कहां से जीवित रहेंगे। और सिर्फ विकसित देशों ने नहीं, बांग्लादेश ने वेज सपोर्ट दिया है। तो ये भी कहना कि भाई उनके पास तो पैसे हैं तो वो दे रहे हैं, प्रायोरिटी की बात है। और जो सरकार ने प्रायोरिटाइज करा है अपने इकोनॉमिक पैकेज में और लोगों को प्रायोरिटाइज नहीं करा है, वो समझने की बात है। तो मैं बेसिक वेज सपोर्ट सरकार को देना था, वो उनकी नैतिक जिम्मेवारी थी, सरकार ने उस नैतिक जिम्मेवारी से अपने हाथ धोए हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही चिंता की बात है। वेलफेयर स्टेट हम अपने आप को कहते हैं, सोशलिस्ट कहते हैं अपने आप को, डेमोक्रेसी कहते हैं, और जो लोग इकोनॉमी चलाते हैं, भाई आत्मनिर्भर भारत की जो पैकेज आप कह रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए तो आपको वर्कफोर्स तो चाहिए, तो वर्कफोर्स कैसे जीवित रहेगी, कैसे काम करेगी अगर उनके लिए बेसिक सपोर्ट भी नहीं होगा तो। जी जी जी, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात आपने रखी, और खास तौर से ऐसे समय जब हम प्रवासी मजदूर या जो वर्कफोर्स है और उसे उसकी गरिमा का बिल्कुल ध्यान न रखते हुए बस मान रहे हैं कि वो किसी तरह से लाइन में लगकर दो टाइम का खाना ले ले, और जिसको वो बहुत रिजिस्ट भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपना श्रम बेचने आए हैं, हम भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं, ये जो भाव है, ये जो दुख है, ये अभी तक सरकार तक नहीं पहुंच रहा है, और निश्चित तौर पर आने वाले दिन ऐसा लगता है कि बहुत और ज्यादा पीड़ा वाले रहेंगे मेहनतकश भारत के लिए।
न्यूज़क्लिक से बात करने के लिए शुक्रिया अंजलि, हम आगे भी अपना ये संवाद जारी रखेंगे, धन्यवाद। Thank you.